हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल मदर इंडिया में। तो जैसे कि मैंने कहा था कि मैं पिज्जा की रेसिपी बताऊंगी आपको, तो मैं आई हूं आपके लिए पिज्जा की रेसिपी लेकर। तो उसके लिए मैं सारी ये इंग्रेडिएंट्स भी बता देती हूं आपको। उसके लिए है, देखिए मैंने लिया है 100 ग्राम मैदा, और ये हो गया हमारा 2 चम्मच दही, ये 1 चम्मच की चीनी, और ये हो गया नमक, नॉर्मल नमक, और ये हो गया हमारा बेकिंग पाउडर, और ये हो गया बेकिंग सोडा। तो बेकिंग पाउडर थोड़ा सा ज्यादा 1/3 लेना है, और बेकिंग सोडा जो है 2 चुटकी, मतलब कितना, या 3 चुटकी ले लीजिए, और थोड़ा सा ये 2 चम्मच ऑयल। तो चलिए अब हम इसको डो बनाने की तैयारी करते हैं। तो डो बनाने के लिए तो हमें सबसे पहले चाहिए मैदा। तो मैदा मैंने लिया है 100 से 150 ग्राम। अब मतलब कि है, जैसे आप अपना मैदा मतलब किस तरीके से लेंगे, जैसे आपने छोटी थाली में बनाना है तो आप थोड़ा ले लीजिए मैदा, 50 ग्राम से ज्यादा ले लीजिए। तो मैंने लिया है ये 100 ग्राम या 120 ग्राम हो गया है। तो मैं इसको मिलाती हूँ। अब मैं इसमें डालती हूँ दही, 2 चम्मच दही डाले मैंने, और इसमें डालना है मुझे बेकिंग पाउडर, देखिए 1/3 चम्मच है, और ये हो गया हमारा सोडा, खाने वाला बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर अलग होता है, बेकिंग सोडा अलग होता है। तो ये हो गया हमारे 3 पिंच सोडा, और ये होगा नॉर्मल सॉल्ट, ये होगा छोटा चम्मच, बिल्कुल टीस्पून, और थोड़ी सी 1 चम्मच चीनी। आइए हम इसे मिक्स करते हैं। आप अपने डो को 4 से 5 मिनट तक बहुत अच्छे से, बल्कि इसको मार मार के अच्छे से गूंदेंगे, तो आपको खुद ऐसा लगेगा ये बहुत ही फ्लफी हो रहा है। देखिए, अगर अगर थोड़ा सा टाइट लगे आपको अपना डो, तो आप उसमें थोड़ा सा और दही ऐड कर लीजिए। मैंने भी दही ऐड किया था 2 चम्मच, अभी छोटे छोटे से। अभी इसको और ज्यादा अच्छे से गूंदना है, जितना ज्यादा नीड होगा उतना ज्यादा ही बेटर हो जाएगा ये हमारे लिए। 4 से 5 मिनट होने लगे हैं, चार पांच मतलब की, और अब हम इसमें ऑयल डाल लेंगे। ऑयल डालकर ये बिल्कुल बर्तन से आउट होने लगेगा। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से इसने बर्तन को बिल्कुल बर्तन से अलग हो गया है, बहुत सॉफ्ट और बहुत ही फ्लफी हो रहा है। ये देखिए, अब मैं इसके 2 पार्ट्स करती हूँ, क्योंकि एक थोड़ा सा ज्यादा और एक कम, क्योंकि हमें बेस बनाना है, नीचे वाले को थोड़ा बड़ा रखेंगे और ऊपर वाली रोटी थोड़ी छोटी। तो ये देखिए, अब मैं इसको पेड़ा बना लेती हूँ इसका। तो फ्रेंड्स, हमें ये रोटी बेलने के लिए थोड़ा सा आटा स्प्रिंकल कर लेते हैं, ताकि ये चिपके ना, और हमें जो छोटा वाला पीस लिया था ना हमने पेड़ा, उसी की हमने पहले रोटी बनानी है। डो बनाने के लिए ये पेड़ा बना के इसको बेलेंगे। अब हम इसको बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर, तवे पर इतना सा डालेंगे कि हम बस ये थोड़ा सा, बस हल्का सा टाइट, हल्का सा, मतलब कि हमने बिल्कुल सेकनी नहीं है रोटी। आप जैसे सोच रहे हैं कि जैसे हम अपनी रोटियां बनाते हैं ऑलरेडी दूसरी, ये हमने सेकनी नहीं है, इसी तरीके से हमें तवे पे डालनी है और उठानी है। देखिए, इसमें से बबल्स भी उठने लगे हैं, बस हमें फौरन ही इसको बिना उसको करे और फौरन ऐसे कर दिया है। देखिए, बस अब हम इसे उतार लेंगे, इतना ही करना था बस। गैस करते हैं बंद और इसे उतार लेते हैं। और अब जो बड़ा पेड़ा था, अब मैंने उसको बेलना है, जो कि मतलब कि मेन पिज्जा का बेस बनेगा। इसको हमने बनाकर, जितना पिज्जा बनाना है हमने, यानी कि 7-8 इंच या 9 इंच तक का पिज्जा बनेगा, अब इसको हम बेल लेंगे। देखिए, मैंने इसको इतना बड़ा बेस बना लिया है इसका, कि जितनी मुझे इसमें थाली हमारी होगी जो हम कढ़ाई में रखेंगे, तो इतना ही बड़ा बनाना है इसको। और अब हमें सिर्फ बटर मैंने लिया है, क्योंकि थाली में इसको हमने ऑयलिंग करनी है बटर की। अब हमें अपनी थाली जिसमें पिज्जा बनाना है उसको अच्छे तरीके से बटर लगाना है। आप कोई भी ऑयल लगा सकते हैं, कुकिंग ऑयल, लेकिन अच्छी क्वालिटी का लगाना है आपने।
जिससे कि हमारा पिज्जा इसमें चिपकेगा नहीं। हाँ जी फ्रेंड्स, तो देखिए जब हमने जिस कढ़ाई में पिज्जा रखना है उस कढ़ाई में मैंने बड़ी सी कढ़ाई आपने लेनी है, जितना पिज्जा बनाना उससे बड़ी कढ़ाई होनी चाहिए, थाली से बड़ी। और इसके अंदर यानी ये नमक डालकर फुल फ्लेम पर गर्म होने रख दिया है अच्छे तरीके से, ताकि ये हीटेड हो जाए खूब अच्छे तरीके से। ये नमक अच्छे तरीके मतलब गर्म हो रहा है बहुत ज्यादा। अब इसके अंदर एक बर्तन रखकर मैं अपना पिज्जा प्लेट रखूंगी। आइए दिखाती हूँ मैं आपको इतनी देरी से गर्म होने देते हैं। देखिए बटर रोलिंग प्लेट पर मैंने अपना डो जितना बनाया था मैंने रख दिया है। देखिए अपना डो। और मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर मैं इसके अंदर ये देखिए फोर्क से छेद नहीं करूंगी तो जो है ये हमारा ये बहुत ज्यादा फूल जाएगा। ये स्टफिंग करने से पहले मुझे इसमें इस तरीके से ये करना पड़ेंगे। आप भी फोर्क से इसके अंदर थोड़े से इस तरीके से होल कर देंगे तो ये ज्यादा फूलेगा नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा फूल जाएगा तो आपका पिज्जा खराब हो सकता है। अब बारी है इसके ऊपर चीज को स्प्रेड करने की, तो मैंने अमूल का ये चीज स्प्रेड लिया है। अभी हम इसको अच्छी तरीके से इसमें फैला लेंगे, लेकिन हम इसके किनारे छोड़ देंगे, क्योंकि अगर हमने किनारों पर लगा दिया तो ये चीज बाहर हो जाएगा, क्योंकि चीज बस्ट होता है ना, चीज बस्ट पिज्जा बना रहे हैं और हमें इसे फोल्ड भी करना है। दूसरी इसमें के ऊपर जो हमने एक रोटी और छोटी वाली लगाई थी हमने इसका बेस दूसरा, तो वो भी हमें इस पे डालना है। तो देखिए हमने जो छोटे पेड़े वाली सबसे पहले रोटी बनाई थी ना, जो मैंने हल्की सी तवे पर देखिए इस तरीके से इसका वो बनाया था, ऐसे तो बाजार में भी मिल जाते हैं बने हुए रेडीमेड, तो मैंने इस तरीके से हल्का सा किया था। देखिए कहीं भी रेड नहीं है। अब मैं इसके इसके ऊपर रखती हूँ और अब हम इसे फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए मैं इसको फोल्ड करने लगी हूँ। कुछ लोग तो इसको ऐसे ही फोल्ड कर देते हैं, लेकिन कुछ लोग इसको खाते नहीं है जब पिज्जे के इस पार्ट को फेंक देते हैं, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा और कुछ डालती हूँ। तो थोड़ा सा इसके अंदर हम अगर इसमें मोजरेला चीज डाल देंगे और इसको बाद में फिर हम इसको फोल्ड करेंगे तो आपको ये कुछ भी वेस्ट नहीं होगा और सारा ही मजे आएंगे आपको खाने में। तो दोस्तों सबसे पहले मैं डाल रही हूँ इसमें टोमेटो केचप के साथ साथ मैं इसमें डालूंगी शेजवान चटनी, और फिर उसके बाद जो मैंने बेहतरीन जैसी बनाई है ना पिज्जा सॉस हर्बल वाली ओरिगेनो वाली, उसके तो फ्लेवर के क्या कहने, फिर वो डालूंगी। ये आई हमारी शेजवान, थोड़ी ज्यादा नहीं डालनी है क्योंकि हमें हमने पिज्जा सॉस भी डालनी है। कच्चे में ये फ्लेवर है तो पकने के बाद क्या मजा आएगा। अब आएगी हमारी पिज्जा सॉस की। पिज्जा सॉस के लिए आपको बाजार नहीं जाना पड़ेगा, मैं इसकी रेसिपी डाल रही हूं नेक्स्ट में। ये देखिए ये ली हमने पिज्जा सॉस, अब बारी है इसमें मोजरेला चीज डालने की। तो देखिए मैंने बनाई थी आपके सामने मैंने पिछली रेसिपी में, ताकि मुझे लग रहा था कि आप कहीं ऐसा ना हो पिज्जा बनाते बनाते भी सोचेंगे मोजरेला चीज ये वो कहाँ लाएं बाहर से जाकर, तो ये सब कुछ आपको मैं घर में ही बताती रहूंगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको ऐसी ऐसी चीजें ऐसी ऐसी रेसिपी मिलती रहेंगी घर में ही आराम से, और मतलब कि ये सारी जो व्हाइट सॉस वगैरह ये सब बनाऊंगी मैं। ठीक है मैं ये डालती हूँ इसके ऊपर। अब ये चीज बस्ट होगा तो पता चलेगा। चीज के साथ साथ अगर थोड़े से चीज के स्लाइस भी डाल देंगे ना तो ये बहुत अच्छे से मेल्ट होगा, क्योंकि ये ना कई बार ऐसा होता है कि छोटा वाला जो चीज ये हमने ग्रेट किया होता है वो कम पिघलता है, और ये जो है ना स्लाइस बहुत ही अच्छे तरीके से। तो फ्रेंड्स
मैंने चीज अच्छे तरीके से इस पर रख दिया है। आप भी कंजूसी मत कीजिएगा। मैंने तो आपको बनाना सिखाया भी है और मैं आपको बता भी दूंगी किस तरीके से बनाया था मैंने। बहुत इजी है घर में मोजरेला चीज बनाना। अब इसकी टॉपिंग करते हैं हम लोग। टॉपिंग करने के लिए आप चिलीज वगैरह, ये रेड, ये क्या नाम की, शिमला मिर्च ले लीजिए, अनियन और दो तीन तरीके की मशरूम ले लीजिए, जो आपका दिल करे वो ले सकते हैं आप। रेड चिलीज ना मिले, ये क्या कहते हैं, शिमला मिर्च, तो आप कोई बात नहीं मशरूम डाल दीजिएगा रोस्ट करके। अगर कॉर्न्स भी नहीं मिल रहे कोई बात नहीं, लेकिन आपके पिज्जा के टेस्ट में कोई कमी नहीं आएगी। देखिए बहुत अच्छे तरीके से नमक गर्म हो चुका। मैंने काफी देर पहले इसको रख दिया था, 10-15 मिनट पहले गर्म होने। अब मैं इसके अंदर, क्योंकि डायरेक्ट थाली रखूंगी तो बहुत ज्यादा एकदम से पिज्जा जलने का खतरा है, तो इसके अंदर पहले हम ये रख देंगे, छोटा सा बर्तन, कोई कटोरी या कुछ भी ऐसे रखा ली इस तरीके से रख दीजिएगा, और उसके ऊपर फिर आप अपना पिज्जा का प्लेट रखिएगा। तो हीट बनी हुई है, मैंने रख दी है प्लेट, और हम इसको ढक देते हैं ताकि इसकी हीट अंदर बनी रहे इसी। हाँ जी फ्रेंड्स, तो 15 मिनट के लिए आप इसको इसमें रखेंगे, और बीच में हम 3-4 मिनट के बाद या इसे टेस्ट करते रहेंगे, देखते रहेंगे कि ये कैसा बन रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं इसको फाइनली रख रही हूँ। फ्रेंड्स, मुझे इसमें ओरिगेनो डालना था, तो मैंने, कुछ लोग बाद में डालते हैं, मैंने कहा नहीं इसको पहले ही डाल देती हूँ, तो मैं ये ओरिगेनो थोड़ा सा इसमें छिड़क रही हूँ, इसका तो ये बहुत ही मस्ट है। चलिए हम इसे ढक देते हैं ताकि इसकी हीट बनी रहे। हाँ जी फ्रेंड्स, तो हो चुके हैं 15 से 17 मिनट हो चुके, तो मैं इसको देखती हूँ, बहुत गर्म है। अमेजिंग, बहुत बढ़िया बना है। चलिए मैंने गैस बंद कर दिया है, अब मैं इसको निकालती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा पिज्जा कितना बेहतरीन होया है सामने। बहुत ही शानदार इसकी खुशबू है। काश आप भी मेरे साथ होते और यहाँ पर खाते भी मेरे साथ, और बस मजा आ गया। पड़ोसी भी कह रहे हैं कि कब बनेगा तो कब खाएंगे हम लोग। देखिए मैं इसको अब कट कर दिखाती हूँ, सबर नहीं हो रहा है। चलिए इसे निकालते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ कितना प्यारा अंदर से रेड कलर आया है, कितने अच्छे तरीके से बना है, बिल्कुल भी नहीं जला है। देखिए कितना शानदार बना है, आप भी ट्राई कीजिएगा जरूर अपने घर में, मजा आ जाएगा। बच्चे तो बाहर जाने की कोशिश भी नहीं करेंगे और आपके बहुत सारे पैसे भी बचेंगे। कट करते हैं इसको और आपको बताते हैं कैसा बना है। वाओ, बहुत ही बढ़िया, यमी यमी यमी। देखिए बेहतरीन, बहुत ही ज्यादा, कितना ब्रस्ट हो रहा है, यही होता है चीज बर्स्ट पिज्जा। और मैं इसको आपको थोड़ा अंदर से भी दिखा देती हूँ, मैं भी देख लेती हूँ। ये देखिए, वाओ, चीज जो है बस्ट हो रहा है, पुल आउट हो गया है, मुंह में जाने के लिए तैयार है। इतनी अच्छी और बढ़िया रेसिपी के लिए तो आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक का बटन दबा दीजिए और शेयर भी कीजिए मेरे चैनल को, और मजे लीजिए अगली रेसिपी के लिए, तैयार रहिए। इंजॉय फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।